चार्जेस अदर चार्जेस अपने आप सेल्फ कैलकुलेट करके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सारे इंडिविजुअल बैंक ने रोक लाती है। जो ट्यूशन फीस है वो भी उन्नी देनी है जिन्नी असी क्लासेस लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फी कोई चार्ज नहीं करेगा स्कूल। उस बारे का जिन्ना एक्सपेंडिचर होया हूँ तक का वो भी बैलेंस शीट हूँ तो लेके सत्त महीने तो पहला आ रही कोर्ट के एम्प्लॉय जो स्कूल का है चाहे टीचर है नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कोई बिना सैलरी तो ना रहा होगा। पहला जो स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सी दे रहे वो सिलेबस भेज रहे थे। बेंच ने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर से मॉडिफाई किया कि भी जिहड़े स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन देंदे ने सिर्फ उन्ने स्कूल ही ट्यूशन फी चार्ज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फी कोई चार्ज नहीं करेगा स्कूल। स्कूल वालों का जिन्ना एक्सपेंडिचर होया हूँ तक का वो भी बैलेंस शीट हूँ तो लेके सत्त महीने तो पहला आई कोर्ट के प्लेस ऑन रिकॉर्ड करनगे क्योंकि मैं मंगया होया सी भी स्कूलों तो स्कूलों का खर्चा भी मंगया जाए। तीजे नंबर पर जी सब तो बेनीफिट होया वो ये होया कि भी स्कूल वालों का यह ग्राउंड सी कि असी सैलरी पे करनी है टीचर्स नूं। कोर्ट ने यह भी ऑबजर्व किया भी कोई भी इंप्लाय जो स्कूल का है चाहे टीचर है नॉन टीचिंग स्टाफ है वह कोई बिना सैलरी तो ना रहा होवे यह भी यकीनी बनाया जाए। इसका मतलब यह होया जे स्कूल वालों ने फीस लैण तो बाद टीचर्स नूं सैलरी नहीं पे की तां भी उन्हां दे अगेंस्ट कंटेंप्ट जिहड़ी आ उह लाई करूगी। उस तो बाद जिहड़ी पेरेंट्स वास्ते होर वड्डी रिलीफ आई है पहला जिहड़े स्कूल सीगे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सी दे रहे उह सिलेबस भेज रहे सी उह जिहड़े क्लास डेली बेस ते नहीं सी लाउंदे उह हुण बच्चों के पेरेंट्स तो कोई पैसा नहीं ले सकते। एनुअल चार्जेस अदर चार्जेस अपने आप सैल्फ कैलकुलेट करके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सारे ही डिविजन बेंच ने रोक लाती है। और नवंबर 14 नवंबर लई अगे जिहड़ी डेट आ उह रख ली गई है। तो जिहड़े कंटेंप्ट दा की बणिया कंटेंप्ट दा फिर अगे चलू केस नहीं हले अपील चल रही है। अपील दे विच इंटरिम ऑर्डर होया तो नाले कहा भी जिन्ने तुसीं आर्गूमेंट है वह अपने एक्सचेंज करो उन्नी देर उस तो बाद फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए होर भी जो असी मंगया होया उहदे लई असी जदोजहद जारी रखांगे जिदा कि असी मंगया सिर्फ जे दो क्लासा लाने 6 क्लासा तो सिर्फ उन्नी भी हूँ ट्यूशन फीस चो भी उन्नी मंग लैनी बनती है वो वाली कंटेंशन भी क्लीयर हो जाएगी। यह फायदा स्कूल टीचर कोई होगा जो प्राइवेट स्कूल टीचर सैलरी जे स्कूलों के टीचर धक्का हों पाया जे पेरेंट्स तो फीस वसूलनगे ना फिर देनी पेगी जदों देनी पैंती है उदों तो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम होंगी है। यही तो साडा ग्राउंड से भी सब तो पैसे हाँ लै लो टीचर्स वास्ते लो हूँ जो एक्सपेंडिचर भी आऊगा क्लीयर तो उदों होना है ना खर्चा किन्ना है वो ब्लैक एंड वाइट के बैलेंस शीट जो आएगी ना फिर पता चलूगा भी खर्चा ज्यादा होंगे सी जां इनकम ज्यादा होंगी सी स्कूलों की। वो बैलेंस शीट जमा कितने करवानी पऊ हाई कोर्ट के फाइल करने लिए कहा गया सारे स्कूलों ओके तो फिर बड़ा प्रोजेक्ट आ ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर जिहड़ा मापियां दे फेवर दे विच आया। अज असीं फाइट साडी कंटिन्यू आ पिछले किन्ने दौर तो और अज असीं कहांगे भी कितना कितने असीं सक्सेस होए इस च। ठीक है इस मामले दी 12 नवंबर 2020 ते की होएगा उसनूं उस दिन फाइनल आर्गूमेंट्स होणगे क्योंकि हले साडी प्रेयर इहदे च इह हैगी आ कि भी असीं जिहड़े ट्यूशन फीस है वह भी उन्नी देनी है जिन्नी असीं क्लासेस लैंदे आ। ठीक है ट्यूशन फीस तो यह सारी लैण लई कहिंदे आ उहदे ते भी कंसीडरेशन करन लई ओपन रख्या गया। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਕੜੀ ਠੀਕ ਹੈ।